इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी समेत कई राजनैतिक दल इस बयान के बाद कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। लोकसभा चुनावों के बीच सियासी पारा और हाई हो गया है। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, चुनावी महाभारत की आग में सैम पित्रोदा के बयान ने घी डालने का काम किया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में सरकार किसी की मौत के बाद 55% संपत्ति ले लेती है और भारत के लिए भी उन्हें ये उचित लगता है। लगातार 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को हराने का दम भरने वाली कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। विवाद बढ़ने के बाद पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया। इसके बाद सैम पित्रोदा ने सफाई दी और कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, जिसे आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। कुछ समय पहले किया कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजीव गांधी की वजह से ही सैम पित्रोदा की राजनीति में एंट्री हुई थी। सैम पित्रोदा को राजीव गांधी का करीबी माना जाता है। साल 2017 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।